Hello viewers, welcome back to our channel Accounts Be Easy. I hope you all are safe and fine at your home. So without wasting any time, let's get started. So today's topic is कि बैंक चार्जेस हैं वो कहाँ जाते हैं, कौन से अकाउंट के अंदर जाते हैं एंड रिपेयर्स कहाँ कौन से अकाउंट में जाते हैं और रिपेयर्स होते क्या हैं। तो चलो इस वीडियो के अंदर क्लियर करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लेते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं? जो बैंक हमसे चार्जेस लेता है, बैंक हमसे जो भी चार्जेस लेता है, तो अब हम सोचेंगे बैंक हमसे कौन से चार्जेस लेता है। तो बैंक हमसे वो चार्जेस लेता है लाइक लॉकर फैसिलिटी, बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और बैंक हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है और बैंक हमें अरे जो हमने अमाउंट बैंक के अंदर सबमिट करा है उसकी भी सेफ्टी रखता है। तो ये सारी फैसिलिटीज बैंक हमें प्रोवाइड करता है, उसके लिए बैंक भी हमारे हमसे चार्ज करता है कुछ चार्जेस। तो वो चार्जेस जो है वो हमारे एक्सपेंस है, बिकॉज हमें वो पे करने पड़ेंगे, हमें वो पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज लॉस फॉर द बिजनेस। सो हम इसे कहाँ पे लिखते हैं? जो भी एक्सपेंस होता है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी एक्सपेंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं, जितने भी लॉस होते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। सो आपको ये समझ आ गया होगा ये कहाँ पे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। सेकेंड एक्सपेंस है हमारा रिपेयर। सो गाइस, रिपेयर होता है लाइक अगर हमारी कोई चीज, हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, लाइक हमने कोई भी मशीनरी परचेज किया, कोई भी मशीनरी परचेज की है हमने और वो मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो उसको हमें रिपेयर कराना पड़ता है, बिकॉज मशीनरी जो है वो इतने लॉन्ग पीरियड के विदाउट एन रिपेयर नहीं चलती है, हमें उसे रिपेयर कराना पड़ता है टाइमली। सो हमें उसको रिपेयर कराएंगे तो रिपेयर चार्जेस हमें देने पड़ेंगे। तो यही हमारे होते हैं रिपेयर चार्जेस। और ये हमारे के लिए क्या होता है? अब प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? ये हमारे के लिए प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है, तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। सो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या पीएनएल अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड पीएनएल अकाउंट ऑल्सो। तो हम इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हम इसको कहां पे लिखते हैं। ओके, सो ये वाला एक्सपेंस भी हमने क्लियर कर लिया है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू एंड इफ एनी डाउट regarding this topic, then please write in the comment section. I will definitely give you a reply. So please hit the like button if you like my channel and do subscribe and share my video as much as possible. Thank you so much guys.